बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डुंगरवाल आज पारिवारिक साधन भाग तीन के अंतर्गत कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस अर्थात साधनों की विशेषताओं के बारे में बात करने जा रही हूँ। अभी तक हमने भाग एक और दो के अंतर्गत पारिवारिक साधन को समझा है, उसके महत्व और उसके उपयोग के उद्देश्यों को देखा है, साथ में साधनों के वर्गीकरण को हमने समझा है। आज हम बात कर रहे हैं साधन चाहे मानवीय हो या भौतिक हो, उनमें कुछ न कुछ विशेषताएं उपस्थित होती है। इन्हें पहचानना व इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है, क्योंकि ग्रह प्रबंध के अंतर्गत इन साधनों का एक विशेष महत्व है। साधनों के उचित उपयोग से ही व्यक्ति, परिवार पूर्ण निर्धारित एवं वांछित जो लक्ष्य है उनकी प्राप्ति कर पाता है। अतः साधनों का प्रबंध करना बहुत ही जरूरी है। साधनों की विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो विशेषता है साधन की वह ये है कि सभी साधन जो होते हैं वह सीमित होते हैं, अर्थात ऑल रिसोर्सेस आर लिमिटेड। साधनों की सबसे बड़ी खूबी कहें कि यह सीमित हैं, चाहे वह धन हो, समय हो, शक्ति हो या भौतिक वस्तुएं हो, जबकि हमारी जो आवश्यकताएं होती है वह असीम व अनंत होती है। सीमित साधनों का उपयोग करके ही हमारे जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं हमें प्राप्त करने होते हैं। अगर साधन असीमित हो जाएं या सीमित नहीं हो तो प्रबंध प्रक्रिया की आवश्यकता ही हमें महसूस नहीं होगी। साधनों की सीमितता को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होती है एवं परिवार के सभी सदस्यों की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें संतुष्ट करना होता है। वह व्यक्ति जो सीमित साधन में अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर पाता है उसे ही हम कुशल प्रबंधक कहते हैं। यानी हमारे पास साधन लिमिटेड है और हमें जो हमारी नीड या हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूर्ण करना है उस लिमिटेड रिसोर्सेस के द्वारा। साधनों की सीमितता को भी दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला होता है गुणात्मक सीमितता या क्वालिटेटिव लिमिटेशंस और दूसरा होता है संख्यात्मक सीमा या क्वांटिटेटिव लिमिटेशन। जब सर्वप्रथम गुणात्मक सीमितता की बात करते हैं तो मानवीय साधनों की सीमा जो है वह गुणात्मक होती है, यानी मानवीय जो साधन है बच्चों वह जो उनकी लिमिटेशन है वो गुण के रूप में है। आपको पता है प्रत्येक व्यक्ति में गुण होते हैं, कोई अधिक ज्ञानी है, कोई बुद्धिमान है, वाक्पटु है, प्रबंध पटु है, चतुर है, यानी उनमें कोई न कोई गुण प्रेजेंट है, परंतु जो भी गुण उसके अंदर अच्छा है उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। प्रत्येक व्यक्ति की कार्यकुशलता, उसकी रुचि, उसका कार्य करने का ढंग, उसका जो ज्ञान है, उसका जो वाक्पटुपन है, सभी में भिन्नता पाई जाती है। किसी व्यक्ति के अंदर वो ज्यादा हो सकता है, किसी के अंदर वो कम हो सकता है, पर उसकी एक लिमिटेशन पाई जाती है। यानी जो मानवीय साधन है जिसे कि हम ज्ञान, कौशल, बुद्धि, कार्यक्षमता, अभिरुचि कहते हैं, को देखा या स्पर्श नहीं कर सकते हैं, परंतु हम इसे एक निर्धारित कसौटी पर रखकर महसूस कर सकते हैं। जैसे बच्चों कई सारे तरीके होते हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का ज्ञान कितना है। आप एग्जाम देते हैं, आपके नंबर आते हैं, उससे ये पता लगाते हैं कि आपकी इंटेलिजेंसी कैसी है। इसी तरीके से प्रश्नावली तरीका होता है, साक्षात्कार मेथड होता है, परीक्षण का एक तरीका होता है ना। तो व्यक्ति में अलग अलग गुणात्मक सीमितता पाई जाती है। कुछ लोगों में संगीत, नृत्य, पेंटिंग, लेखन आदि में उच्च कोटि की कलात्मक प्रतिभा होती है, जबकि कुछ में अन्य गुण पाए जाते हैं। जब हम संख्यात्मक सीमा की बात करते हैं या
सीमितता की बात करते हैं यानी क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो ये भौतिक साधनों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि आपका धन है, मुद्रा है, भौतिक वस्तुएं हैं, भूमि है, जल है, ईंधन है, खाना है, वन है, आदि चीजें इसके अंतर्गत आती है। इन्हें हम गिन भी सकते हैं, माप भी सकते हैं, तोल भी सकते हैं। रुपया, पैसा, मकान, कमरा, कागज, कलम, फर्नीचर, दरिया आदि को गिना जा सकता है। भूमि है या कपड़ा है, इसे हम माप सकते हैं। इसी तरह से जो लिक्विड चीजें हैं, तरल पदार्थ, घी, तेल, दूध, पानी आदि को तोला या मापा जा सकता है। समय को भी घंटे, मिनट, सेकंड्स, दिन, महीना, वर्ष आदि में गिन सकते हैं। यानी अधिकतर जो भौतिक वस्तुएं हैं वह संख्यात्मक सीमा के अंतर्गत आती है, संख्यात्मक सीमितता इसके अंदर पाई जाती है। साधन की दूसरी विशेषता जो होती है वो होती है कि समस्त जो साधन है वह उपयोगी होते हैं, यानी ऑल रिसोर्सेस आर यूजफुल। किसी परिवार में हो सकता है कि कोई साधन जो है ज्यादा उपयोगी है और दूसरा साधन बहुत कम उपयोगी है, यानी कि एक परिवार के लिए जो साधन उपयोगी है वह दूसरे परिवार के लिए भी उपयोगी हो ऐसा जरूरी नहीं है। यह उस परिवार की आवश्यकता, रुचि एवं अभिवृत्ति पर निर्भर करता है। एक डॉक्टर है तो उसके लिए स्टेटोस्कोप है या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वह इम्पोर्टेंस रखते हैं या उपयोगी होते हैं। अगर एक कोई लकड़हारा है तो उसके लिए कुल्हाड़ी, दराती, इस तरह की चीजें उपयोगी होती है। एक लेखक है तो उसके लिए कागज कलम उपयोगी होता है। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस परिवार की या उस व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, रुचि क्या है, अभिवृत्ति क्या है। यानी कोई चीज जो है एक के लिए उपयोगी है, हो सकता है वह दूसरे के लिए नहीं हो, परंतु समस्त साधन जो है वह उपयोगी होते हैं। यानी साधनों के उपयोग के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। जिस साधन विशेष के प्रति हमारा जितना अधिक ज्ञान होगा हम उसको और भी अधिक उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि बच्चों एक सिंपल सा एग्जांपल अभी मैं आज के सिचुएशन में दे सकती हूँ कि अगर किसी को बुखार आता है, अगर हमें थर्मामीटर यूज करना आता है तो हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। अभी कोरोना का समय है तो ऑक्सीमीटर अगर हम उपयोग करना आता है तो हम अपना ऑक्सीजन का लेवल चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से साधन की जो तीसरी विशेषता होती है वह यह है कि साधन विकसित किए जा सकते हैं, यानी साधनों का विकास किया जा सकता है। आप सभी को पता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी आवश्यकता पड़ने पर हम किसी नई चीज का आविष्कार करते हैं या उस साधन को विकसित करने लग जाते हैं। जो व्यक्ति, परिवार, समाज तथा राष्ट्र जितना अधिक साधनों का विकास अपनी मेहनत, ज्ञान, बुद्धि, बल, कौशल आदि का प्रयोग करके करता है वह उतना ही समृद्ध, उन्नत और प्रगतिशील कहलाता है। परिश्रम से हम धन कमा सकते हैं, धन से सुख साधन की वस्तुएं खरीद सकते हैं। वैज्ञानिक जो अनुसंधान होते हैं उसके द्वारा हम नए नए उपकरणों, चीजों को विकसित करते हैं और इनका उपयोग करते हैं। यानी जैसे कोई बीमारी आती है तो उसके लिए हम नए साधन, उसको रोकथाम के लिए, उससे कैसे बचा जाए, हमें उसको फेस आउट करने के लिए हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इन सब चीजों को सोचकर उसको, उन साधनों को विकसित किया जाता है। यानी साधन जो है वह विकसित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है साधन की कि साधनों का वैकल्पिक उपयोग किया जा सकता है। समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार साधनों का वैकल्पिक उपयोग पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी एक एग्जांपल दिया था कि जो वर्किंग वुमेन है, अगर उनके पास समय अभाव है तो वह शाम का भोजन घर पर नहीं बना के बाहर से भी ला सकती है, रेडी टू मिक्स चीजों का उपयोग करके भी जल्दी से खाना बना सकती है या अपने घर में किसी बाई को लगाकर भी खाना बनवा सकती है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि वह क्या चाहती है, यानी साधनों का वैकल्पिक उपयोग कर सकते हैं। अतः समय की बचत वह धन व्यय करके करती है। इस प्रकार वह समय का प्रतिस्थापन जो है
क्या कर रही है गृहिणी? धन से करती है। कामकाजी महिला के लिए समय जो है समय पर धन की अपेक्षा अधिक कीमती होता है, इसलिए वह अगर समय नहीं दे पाती है तो वह बाहर से खाना लाए या बाई से बनवाए या रेडी टू मिक्स चीजों को यूज करे, यह उसके ऊपर है। नेक्स्ट जो बात है साधनों की, वह ये साधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। प्रत्येक साधन का कोई ना कोई विकल्प अवश्य होता है, उपलब्ध साधनों का कोई विकल्प अवश्य होता ही है। उपलब्ध साधनों का उपयोग किस तरह किया जाना चाहिए, किन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु करना है, या उस परिवार के सदस्यों द्वारा निर्णय लिए जाने से है। उदाहरण स्वरूप, धन से अनेक वस्तुएं खरीदी जा सकती है, परंतु परिवार को यह निर्णय लेना होता है कि कौन सी वस्तु पहले खरीदी जाए जिससे कि अधिकतम संतुष्टि मिल सके। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास 1000 रुपए हैं, आपको एक ड्रेस भी चाहिए, आपको अपनी आवश्यक पढ़ाई की सामग्री भी चाहिए, जिसमें भले कॉपी किताब है या पेन है या कोई और प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट है। अब यह आपके ऊपर है कि आप पहले क्या खरीदेंगे कि आपको संतुष्टि अधिक प्राप्त होगी, है ना? तो यानी कि साधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। आपके पास समय है तो यह आपके ऊपर है कि आप पहले पढ़ाई के लिए समय को लगाते हैं या मनोरंजन के लिए लगाते हैं, आपकी उस समय आवश्यकता क्या है। यानी समय हो या धन हो, सबका वैकल्पिक उपयोग होता है। अब नेक्स्ट जो विशेषता है वो है साधन पारस्परिक रूप से संबंधित होते हैं। बच्चों, सभी साधन एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक का प्रभाव जो है दूसरे पर पड़ता है। किसी भी कार्य के संपादन के लिए न केवल एक साधन की जरूरत होती है बल्कि कई साधनों की आवश्यकता होती है। यदि एक व्यक्ति अपने आय का आधा हिस्सा सुंदर एवं वैभवपूर्ण सोफा सेट खरीदने में अथवा महंगे और कोई चीज खरीदने में लगा देता है तो उसे अपने व अपने परिवार की कई अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में कटौती करनी पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ पर जो धन है या आय का आधा हिस्सा है वह उसने किसी एक पर्टिकुलर घर की रिक्वायरमेंट, सोफा सेट खरीदना था, उसमें लगा दिया, तो उस महीने में जो दूसरी रिक्वायरमेंट से उसको कर्टेल करना पड़ेगा या कटौती करनी पड़ेगी, और आगामी माह का जो बजट होगा उसी के अनुरूप। यानी कि समस्त साधन जो है किसी न किसी तरीके से इंटर रिलेटेड या अंतर संबंधित होते हैं। इसी तरीके से अगर आपको खाना बनाना है तो उसके लिए भोज्य सामग्री भी चाहिएगी, गैस भी चाहिएगा, समय भी चाहिएगा, चीजों को खरीदने के लिए धन भी चाहिएगा, बर्तन भी चाहिएंगे, है ना? और साथ में आपका इंटरेस्ट या आपकी नॉलेज भी चाहिए कि उस पर्टिकुलर रेसिपी को बनाने के लिए। यानी साधन जो है आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। समय, शक्ति, चातुर्य, कौशल एवं ज्ञान का सदुपयोग कर व्यक्ति सीमित आय में भी अच्छे से अच्छा जीवन यापन कर सकता है। वह अपने जो पुराने कपड़े हैं, बेकार कपड़े हैं, उनका उपयोग कर ओढ़ने, बिछाने, बैग, सामान रखने एवं अन्य उपयोगी वस्त्र तैयार कर सकता है। इन पर होने वाले व्यय को वह रोक सकता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वह साधनों के उपयोग पर प्रबंध प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है। अर्थात सभी साधन सीमित होते हैं, सीमित साधनों में ही पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होती है, परंतु यह तभी संभव है जब योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप से कार्य किया जाए, अन्यथा लक्ष्यों की प्राप्ति करना संभव नहीं होगा। प्रबंध प्रक्रिया के सभी सोपान या स्टेप्स को क्रियान्वित करना जरूरी होता है, जैसे कि योजना बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना, योजना पे नियंत्रण करना, साथ में उसका मूल्यांकन करना। बिना इन स्टेप्स या सोपानों को पार किए साधनों की उचित व्यवस्था नहीं हो सकती है। यानी साधनों के उपयोग पर प्रबंध प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता ही है। नेक्स्ट और लास्ट विशेषता है साधनों के उचित उपयोग से जीवन स्तर में बढ़ोतरी होती है। यानी हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होता है। साधनों को अगर हम उचित एवं योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करते हैं
तो व्यक्ति और परिवार के सदस्यों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा होता है। साधनों के समुचित प्रयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति भी होती है, जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ती है। दो समान आय वाले परिवारों में जिनकी पारिवारिक संरचना भी लगभग एक जैसी होती है, उनमें से जो परिवार विवेकपूर्ण ढंग से बुद्धिमता से धन को व्यय करता है, समय का सदुपयोग करता है, उसका तथा उसके परिवार का रहन सहन एवं जीवन स्तर ऊंचा होता है। वह सीमित आय में भी या सेम आय में भी परिवार के सदस्यों की अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर उन्हें संतुष्ट करता है। यानी परिवार के सदस्यों में असंतोष और असंतुष्टि की भावना को उपजने नहीं देता है और रहन सहन का स्तर और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य करता है। यानी कि साधन जो है उसमें कुछ न कुछ विशेषताएं पाई जाती है। इसके साथ ही बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस वह समाप्त होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम पारिवारिक साधनों को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।